नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक छोटा एम्पलीफायर रिव्यू करने वाला हूं जो कि मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूं इसे, जो कि यूनिवर्सल का 120 वाट इको है। दोस्तों काफी जबरदस्त एम्पलीफायर है। दोस्तों ये बिना मिक्सचर के साथ इको निकालता है, ठीक है। दोस्तों इको का यहाँ पर दो वॉल्यूम दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर इको का एक बॉटम दिया गया है, यहाँ पर इसे प्रेस करके यहाँ पर इको है, डिले और रिपीट आपको यह देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर फेट मतलब इसका जो बेस, दोस्तों मतलब यहाँ पर ये फेट दो मतलब इसके नीचे यहाँ पर बेस लिखा है, यहाँ पर ट्रेबल इसमें मास्टर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बेस ट्रेबल मास्टर आपको ये दो देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर 5 माइक्रोफोन देखने को मिलता है, 5 माइक्रोफोन आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों एक है माइक 1 इको, माइक 2 इको, माइक 3, माइक 4, माइक 3 यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको, माइक 4 में आपको सेलेक्टर स्विच देखने को मिलता है, माइक 4 एंड ऑक्स 1, आप यूएसबी ऑक्स 2 और यहाँ पर माइक 5 आपको यहाँ पर, दोस्तों माइक 5 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों इसका पूरा जानकारी, इसका प्राइस और इसका साउंड टेस्टिंग इको में यहाँ पर माइक्रोफोन से करने वाला हूँ। दोस्तों इको कैसा है टोटली जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जानकारी के लिए मैं देता रहता हूँ, ठीक है। दोस्तों चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू ही करते, दोस्तों हम बिना देर के हमने आगे का जो आपका लुक है दिखा दिया, आगे का जो आपको जो कैसा है पूरा सेटिंग आपको दिखा दिया। दोस्तों एक यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लूटूथ मिलता है, दोस्तों ऑक्स मिलता है, यूएसबी आपको देखने को मिलता है, टोटली ये मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये टोटली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों एफएम मिलता है, ठीक है। दोस्तों चल दोस्तों इसका मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ओपन करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ से यहाँ पर कनेक्ट करो बोलकर यहाँ पर जो टूट आपके सुनाई होगा यहाँ पर बीटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कुछ थोड़ा सा बैक लुक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों कुछ ऐसा इसका बैक लुक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉमन और A2 में यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी से चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 230 वोल्ट एसी का यहाँ पर सप्लाई है, आपको यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर कितना था यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर हॉर्न, यहाँ पर स्पीकर लगाने के लिए आपको कॉमन 4 और 8 और 16 देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों उसके यहाँ पर जो आप लगाते हैं ना जो यूनिट के लिए आपको यहाँ पर कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लाइन इन लाइन आउट ऑक्स 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑक्स 2 यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह था। यहाँ पर फ्यूज भी है, आपको यहाँ पर आर्थिंग के लिए यहाँ पर जगह भी है, ठीक है। दोस्तों कुछ इस तरह है, ठीक है। एंटेना के यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों कुछ इस तरह है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका मैं अभी टोटली बिना देर किए हुए मैं आपको साउंड टेस्टिंग सुनाता हूँ, ठीक है। देखिये मैंने यहाँ पर माइक 1 पर यहाँ पर जो माइक्रोफोन लगा दिया है, जो माइक्रोफोन है बेटा A58 का है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो आपने साउंड टेस्टिंग वीडियो मतलब इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो आज के करीब 2-3 महीने पहले का वीडियो देख लीजिएगा, मेरे वहां पर चैनल पर है, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैंने माइक 1 इको में ढाला है, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैंने बेस को 50% रखा है, ट्रेबल को 50% रखा है, मास्टर को 40% रखा है, यहां पर इसको मैं 20% रखा है, ठीक है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैंने यहां पर इको को मैं यहां पर ऑन कर लेता हूं, पहले बिना इको के हम चलाते हैं, ठीक है। हेलो, आप सुन सकते हैं ये बिना इको के है, इसका जो माइक्रोफोन है क्वालिटी आप सुन लेना कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आप माइक्रोफोन का आवाज सुन रहे हैं। दोस्तों ये माइक्रोफोन भी काफी अच्छा है, आपका इसका क्वालिटी देखिए, और ये एम्पलीफायर का क्वालिटी आप बताना कैसा है। आप ईयरफोन यूज कीजिएगा तो काफी क्लियरली आपको आवाज सुनाई देगा, ठीक है। अब हमें इसे इको यहाँ पर इफेक्ट देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 50% यहाँ पर वॉल्यूम रखा है। आप सुन सकते हैं कैसा इको का इफेक्ट आया है, थोड़ा कुछ और मिला लेते हैं इसे सेटिंग। हेलो, थोड़ा और अच्छा लगा है सुनने में। आप सुन सकते हैं मैं इतने सामने से
इस एम्पलीफायर के सामने ये दो बॉक्स लगा के रखा है मैंने यहाँ पर 120 में, सिर्फ माइक्रोफोन और टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर इतना लोड दे के रखा है, ठीक है। फिर भी आवाज देख सकते हैं कितना क्लियर की है, आप देख लेना दोस्तों। मैं और थोड़ा कुछ वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आप सुन सकते हैं इसका वॉल्यूम मैंने कितना दिया है, ठीक है। आप इसकी आवाज क्लियरिटी सुन लीजिए दोस्तों। ये एम्पलीफायर काफी अच्छा एम्पलीफायर है, इको 120 के 120 वाट का एम्पलीफायर है। इसे आप आसानी से 4-5 सुंगा भी लगा सकते हैं, 30-35 वाट का 4 सुंगा आप इसे आसानी से चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये बेटा फोन का 400 वाट का स्पीकर रन करता हूँ तो काफी अच्छा ही मुझे लगता है। आप कमेंट करके बताना इसका इको क्वालिटी कैसा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं अब वीडियो एंड करने वाला हूँ दोस्तों। आप लोगों को आवाज कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना है दोस्तों। इस एम्पलीफायर का प्राइस जो कि मैं आसाम के प्राइस के अनुसार आपको 6000 से 6500 तक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।